आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का ना बहुत अच्छा हो। और 20 और 21 दिसंबर का पीडीएफ मैंने आपको नहीं दिया है करंट अफेयर का। कल ही एक मेरा भाई कमेंट्स किया कि भैया 20 और 21 तारीख का पीडीएफ ना आप तो टेलीग्राम पर डाले ही नहीं है। तो आज ना मैं 20, 21, 22 का तो डाल चुका हूं और 23 तारीख का पीडीएफ टेलीग्राम पर कर देंगे अपडेट। आप सभी डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। 10 से 12 मिनट का क्लास है। क्लास में हर एक क्वेश्चन को पानी के तरह पढ़िए। अंतिम में मैं आपको रिवीजन भी करवा देता हूं। पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार ऊपर तुझे देख भी लीजिए। हफ्ता भर में एक बार रिवीजन करवा, महीना भर में क्वेश्चन भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और 10 जनवरी से ना करेंट अफेयर क्लास जो है पूरे साल भर का बिना एक क्वेश्चन छोड़े रिवीजन कराऊंगा। कितने दिन तक और कितने बजे? रात को यही ठंडे में जग कर 11:30 बजे। मेहनत तो करना पड़ेगा अगर रिजल्ट के लिए सोचना है, संघर्ष करना पड़ेगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज को पता होगा। आज आपका 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जिनको किसान का नेता बोला जाता था उनका जन्म दिवस है आज। और उनके जन्म दिवस के मौके पर हर साल 23 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं किसान दिवस। याद रखिएगा पहला ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आईसीसी अंडर 19 जो क्रिकेट गेम होने जा रहा है विश्व कप ना, इसका मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये खेल होने जा रहा है आपका वेस्टइंडीज में। याद रखिएगा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है वेस्टइंडीज में। और अंडर 19 विश्व कप में ना भारत के तरफ से कैप्टन किसको बनाया गया? याद रखिएगा यश धूल, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस राज्य में ना भारत का पहला, किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में ना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय खोला जाएगा? पहला शिक्षक विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ना मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू की है? और यह भी बोल दिया है शुरुआत में ना 4 जिले में इसको लागू किया जाएगा। जो ना ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो स्वास्थ्य सेवा से दुर्लभ है, उनको नहीं मिल पाता है, अस्पताल जाने में बहुत देरी होते हैं, सांस टूट जाता है, मर जाते हैं, उन तक सेवा पहुंचाने के लिए ना हवाई जहाज के माध्यम से जो है वो हर एक सेवा पहुंचाया जाएगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। और ये योजना लॉन्च करने वाला सरकार है आपका उड़ीसा राज्य सरकार। उड़ीसा में कितना जिला है सभी को पता होना चाहिए। उड़ीसा में 30 जिला, 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा और 147 विधानसभा। तो कमेंट में लिख दीजिएगा 21, 10, 147। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर गणेशी लाल, राज्यपाल नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को ना वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? आपको लगेगा उड़ीसा, क्योंकि अगर कहीं पर, अच्छा भारत का सबसे बड़ा रथ कहां पर है? उड़ीसा में, पता है ना जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ का, तो याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है। मान लो अगर ऑप्शन में उड़ीसा रहा ना तो सब बहुत लोग ना यहां पर झोल करने वाले हैं। तो याद रखिएगा भगवान कृष्ण बलराम का जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना, अगर एग्जाम में ऑप्शन उड़ीसा रहा ना तो काफी लोग उड़ीसा मारकर आएंगे, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और पंजाब में 13 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 117 विधानसभा सीट है। रविशंकर झा यहां के मुख्य न्यायाधीश है। आपको पता है हरियाणा और पंजाब दोनों अपना मामला कहां साझा करते हैं कानूनी मामला? तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है।
बनवारी लाल पुरोहित यहां के राज्यपाल हैं और चरणजीत सिंह चन्नी यहां के मुख्यमंत्री 23 जिला 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत सरकार ने गुजरात में 40.35 किलोमीटर का ना लंबाई का सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस बैंक के साथ 442.26 यूरो मिलियन का ऋण लिया है? गुजरात में ना मेट्रो रेल का लाइन बिछाया जाएगा 40.35 किलोमीटर लंबा और इस परियोजना के लिए 442.26 यूरो मिलियन का ऋण लिया गया किस बैंक के साथ? तो KFW बैंक के साथ। ये बैंक पता है कहां का है? ये बैंक ना जर्मनी का है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 2021 और 22 के लिए भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो संस्था है ना इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, समाचार पत्र सोसाइटी, इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम मोहित जैन है और इस संस्था का जो मुख्यालय है ना वो नई दिल्ली में है और इसका गठन ना 1939 में हुआ था 27 फरवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बीबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीसी के द्वारा जो पुरस्कार दिया गया है स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का, ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इम्मा राडुकानू को, ये टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, और कहां से खेलती है? तो इंग्लैंड के लिए खेलती है, याद रखिए इंग्लैंड के लिए खेलती है और ये एक टेनिस खिलाड़ी है। तो बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ना उड़ीसा के कटक जिले में निम्नलिखित में से किस नदी पर बना राज्य का सबसे बड़ा पुल जिसका नाम है टी सेतु का उद्घाटन किया है? ये 3.4 किलोमीटर लंबा ना पुल है, ठीक है, और ये जो पुल बनाया गया है ना महानंदी, ऑप्शन नंबर ए, महानंदी नदी के ऊपर बनाया गया है और ये 3.4 किलोमीटर लंबा है और इसको बनाने में जो कुल लागत आई है वो 111 करोड़ रुपए इसको बनाने में लागत लगा है। क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोला है, ब्रह्मोस एरियो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का ना महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनको, ये ना इसरो संस्था में साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, तो याद रखिएगा ब्रह्मोस एरियो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रमुख है, महानिदेशक है, वो किसे बनाया गया है? अतुल दिनकर राणे को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2021 क्षेत्र एशियाई प्रशांत महिला आधिकारिकता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में ना नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसको दिया गया है? नाम याद रखना, दिव्या हेगडे, ऑप्शन नंबर हमारा ए। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर, एक बार ना 30 सेकंड में बस रिवीजन कर लेते हैं, क्या होगा? दीपिका हेडगे, ये बता चुके हैं, ब्रह्मोस एरियो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का महानिदेशक अतुल दिनकर राणे, उड़ीसा में टी सेतु सबसे बड़ा राज्य का पुल का निर्माण किया गया है जो 3.4 किलोमीटर लंबा है जिसको बनाने में 111 करोड़ रुपए की लागत आई है, ये महानदी के ऊपर बनाया गया है, 2021 के लिए बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार इम्मा राडुकानू को दिया गया है, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का जो अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम मोहित जैन है और इनका इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 27 फरवरी 1939 को इस संस्था का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, गुजरात में जो सूरत मेट्रो रेल बैठ रहा है ना उसके लिए ना उसके लिए 442.26 मिलियन
यूरो का ऋण लिया गया है KfW बैंक के द्वारा, जो जर्मनी का बैंक है, और ये 40.35 किलोमीटर लंबा होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जगन्नाथ यात्रा को किस राज्य ने वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है? उड़ीसा नहीं, पंजाब। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है कि वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षक विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आईसीसी अंडर 19 मेंस जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए भारतीय टीम का कैप्टन यश धूल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किसान दिवस आज मनाते हैं आपका 23 दिसंबर को, जय किसान जय जवान जय किसान, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये क्या भैया, लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और देश का भी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।